क्योंकि एलिन का मेन सेंटर कोटा ही है, तो कोटा के बारे में इतना सुन रखा था हमने कि वहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए होता है, तो इसलिए कोटा चुना हमने। कोटा में क्या आपको एक अलग जगह मिलता है, अलग एरोमा मिलता है, तो वहाँ पर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। मैंने सुना था कि एलिन कोचिंग मटेरियल स्टडी के मटेरियल में बहुत बेस्ट है, तो इसलिए मैंने कोटा चुना है। तो सब कुछ अच्छे से हो रही है, वो चीज़ घर पे नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने कोटा चुना। तो मॉर्निंग हम 5 बजे उठ जाते हैं, हमारी 7 बजे की क्लासेज हैं, तो 6 बजे तक रेडी होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, जाते हैं। 7 से हमारी लगभग 1:30 तक क्लासेज होती हैं, उसके बाद आके हमें खाना खाना होता है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर सोते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर शाम को जाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब किसी चीज़ को, किसी इंसान को कॉपी करना मुझे पसंद नहीं है, सबकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर स्टोरी ब्लॉग में। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं कोटा के लैंडमार्क एरिया में, गर्ल्स हॉस्टल श्री श्यामा कुंज गर्ल्स हॉस्टल में आए, और हमारे साथ में कुछ गर्ल्स है और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी जो डेली रूटीन वगैरह रहती है, किस प्रकार की इनकी स्ट्रेटजी वगैरह होती है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी अपना अपना नाम बताइए और आप कहाँ से और किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं। नेहा, मैं यूपी से हूँ और मैं MBBS मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आपका बताइए। मेरा नाम मानवी है, मैं भी यूपी से हूँ, नीट की प्रिपरेशन मैं भी कर रही हूँ। मेरा नाम निकिता सिंह है, मैं भी यूपी से हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा नाम अंशु कुमारी है, फ्रॉम बिहार, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो मेरा आप सभी से फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए, आप सब अलग अलग स्टेट से हैं, तो कोटा को ही क्यों चूज़ किया? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्योंकि एलिन का मेन सेंटर कोटा ही है, तो कोटा के बारे में इतना सुन रखा था हमने कि वहाँ पर सिर्फ इन्वायरमेंट पढ़ाई के लिए होता है, तो इसलिए कोटा चुना हमने। तो इन्वायरमेंट की वजह से आप कोटा में, आपका क्या रिव्यू इस बारे? घर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो पढ़ाई तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आए दिन कभी रिलेटिव्स का भी जाना, किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट तो होता रहता है। कोटा में क्या आपको एक अलग जगह मिलता है, अलग एरोमा मिलता है, तो वहाँ पे आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। आपका क्या है इस बात में? मैंने सुना था कि एलिन कोचिंग मटेरियल स्टडी के मटेरियल में बहुत बेस्ट है, तो इसलिए मैंने कोटा चुना है, और यहाँ की फैकल्टीज़ वगैरह सब बेस्ट है, मैंने ये सुना था। यहाँ पे टेस्ट का अच्छे से इन्वायरमेंट मिलता है, हर चीज़ बैच में इतने स्टूडेंट होते हैं तो कंपटीशन फील करने का मौका मिलता है, अपने आप को सुपीरियर पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं, हमको सब आपका कहना है। हमारा कहना है कि पढ़ाई के लिए माहौल सबसे बेस्ट होते हैं, एलन वो भी प्रोवाइड करती है, और बाकी जहाँ मैं यहाँ हॉस्टल में रह रही हूँ वहाँ इन्वायरमेंट और भी ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं, तो सब कुछ अच्छे से हो रही है, वो चीज़ घर पर नहीं मिल रही थी, तो इसलिए हमने कोटा चुना। तो मैं आपसे फर्स्ट, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, मैं ये जानना चाहता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पर्टिकुलर ये रहेगा कि आपकी डेली रूटीन किस टाइप से रहती है, मतलब किस टाइम पे आप सोते हैं, कब उठते हैं, किस टाइम पे कोचिंग जाते हैं, उसके आने के बाद में कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, जिसमें स्टडी वगैरह खाना पीना सब कुछ आ गया। सो मॉर्निंग हम 5 बजे उठ जाते हैं, हमारी 7 बजे की क्लासेज हैं, तो 6 बजे तक रेडी होते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, जाते हैं। 7 से हमारी लगभग 1:30 तक क्लासेज होती हैं, उसके बाद आके हमें खाना खाना होता है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर सोते हैं थोड़ी देर, उसके बाद फिर शाम को जाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले पूरा क्वेश्चंस करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर पूरे जो पुराने नोट्स होते हैं वो रिवाइज करने होते हैं, फिर लास्ट लोग 12-11 AM तक हमारा सब कुछ खत्म होता है, फिर आराम से आते हैं, फिर सेम रूटीन डेली फॉलो होता है। तो कोचिंग टाइमिंग के बाद में सेल्फ स्टडी को आप लगभग कितना टाइम दे पाते हैं? लगभग 5 to 6 hours देने होते हैं डेली। आपने अपना क्या नाम बताया था? मानवी। मानवी, मैं जानना चाहूँगा कि आप कोटा में रह रहे हैं, कौन से स्टेट से थे आप? उत्तर प्रदेश। तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, रहते थे और अभी कोटा में हैं आप, तो क्या क्या चीज़ें आप वहाँ की मिस करते हैं? सबसे पहले तो एक होम सिकनेस फील होता है, क्योंकि पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो रूम में काफ़ी अकेला सा लगता है, और कोटा में काफ़ी लोग नए नए रहते हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, तो लोगों से मर्ज होना, खैर यहाँ पर हम मर्ज होने तो आए नहीं हैं, हमारा मेन फोकस स्टडीज़ ही है, फिर भी अगल बगल लोग अच्छे रहते हैं। खैर यहाँ पे वार्डन दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं, तो थोड़ा मैच होने पे बहुत अच्छा लगता है। बाकी क्योंकि जब हम लंच के लिए जाते हैं या फिर हम शाम के नाश्ते के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा चिट चैट्स हो जाते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, बाकी अपना दिन भर तो रूम में ही रहना रहता है। तो बाकी मिस करना तो सिर्फ मुझे पेरेंट्स की याद आती है, क्योंकि वहाँ भी हम प्रिपेयर ही कर रहे थे, तो कोई एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट तो था नहीं। जब भी आप वहाँ के मोमेंट, वहाँ की गलियाँ, वहाँ पर आप भी जो एक्टिविटीज़ करते थे उसको मिस करते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं उस टाइम? जैसे हमारा जो ये हॉस्टल है एकदम मार्केट के बीचों बीच हो रखा है, तो वहाँ पे मेरा जो है निकलना हो जाता था शाम को कभी कभार, जैसे हफ्ते में एक आध दिन, तो यहाँ पे भी अगर मन करता है तो हम नीचे चले जाते हैं चिल आउट करने के लिए। वैसे हम उतना चिल आउट नहीं करने आए, जैसे 10-15 मिनट के लिए कोई सामान लेना हो गया तो वो हो जाता हमारा बस। अभी आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं कि भाई ऑनर से ज़्यादा क्लोज होते हैं गर्ल्स जो रहती है वो वार्डन मैम्स हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि उनका बिहेव कैसा है, वो आपको किस प्रकार से टैकल करते हैं, आपके वर्क में आपकी हेल्प करते हैं? वार्डन मैम का नेचर बहुत अच्छा है, हमको कभी भी किसी भी टाइम कोई भी
ज़रूरत होती है हम कॉल करते हैं, वार्डन मैम एकदम आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम शेयर करनी हो, कुछ भी बात हमको उनको बतानी हो बिना डिफ़िकल्टी के बता देते हैं। कोई मेडिकल से रिलेटेड हमको कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इशू होता है, तो वो भी हमारा सॉल्व कर देती हैं। बाकी वार्डन मैम का नेचर मैं ये बोलूँगी यहाँ का बहुत अच्छा है। और वार्डन मैम के अलावा यहाँ के जो ऑनर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? ऑनर का नेचर भी बहुत अच्छा है, सर आते हैं अच्छे से, हम कोई भी हम प्रॉब्लम होती है हम सर को डायरेक्टली बताते हैं और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। वर्कलोड जब आपका बढ़ जाता होगा, कोचिंग भी जाते हैं आप 5-6 घंटे और उसके बाद में स्टडी वगैरह और भी कई सारे वर्क है, तो वर्कलोड बढ़ने पर आप कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? वर्क लोड बढ़ जाना वो बहुत कॉमन हो जाती है, बट उनको कैसे कंप्लीट करना वो भी हमारे हाथ में है। तो सबसे पहले क्लासेस कंप्लीट होने के बाद जो भी मिले हैं पहले मैंने उनको कंप्लीट करनी होती है, फिर तो एक घंटे के लिए रिलैक्स होना बहुत ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट टाइम जो हम लोग स्टडी के लिए लगाते हैं वो वर्क लोड जो भी होते हैं उन्हें धीरे धीरे कंप्लीट होते हैं, एक दिन में तो सारे नहीं होंगे बट उन्हें हर एक रोज़ थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करने पर वो कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट आपसे फिर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे फ्री टाइम भी कभी आता होगा तो फ्री टाइम का आप कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्या वीडियोस देखते हैं, मतलब किस टाइप से आप फ्री टाइम का यूज़ करते हैं? फ्री टाइम में मैं ज़्यादातर मोटिवेशन वीडियोस देखती हूँ, फिर बाहर जाके बाहर का एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन एरिया नहीं है तो बाहर जाके देखना पड़ता है ताकि थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज्ड एरिया है इसलिए फ्री टाइम ऐसे यूज़ करती हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, थोड़ा बाहर घूमना और कभी कभी बुक्स नॉर्मली पढ़ना। आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बड़ा ही टारगेट है, छोटा नहीं कह सकते इसको, तो आपने कोई आइडियल बना रखा होगा अपना कि ये मेरे आइडियल है इनको मैं फॉलो करती हूँ, तो किस प्रकार से अपने आप को आप पॉजिटिव रखते हैं, कौन है आपका आइडियल? ऐसे नीट के टॉपर्स बहुत हो रखे हैं, ऐसे टॉपर्स में तो मेरे आइडियल नहीं है, मतलब किसी चीज़ को किसी इंसान को कॉपी करना मुझे पसंद नहीं है, सबकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, साइंटिस्ट से बहुत मेरे क्या नाम है, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहती हूँ, आइंस्टीन से और एक गैलीलियो से, सो ये दोनों मेरे सामने रहते हैं, मेरे आँखों के सामने, तो इनसे बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ। बाकी अपना खुद की स्ट्रैटेजी सबके लिए रहती है, कोई मतलब कुछ शेयर करते कुछ नहीं करते हैं, इवन टॉपर्स भी आपको सब नहीं बताएंगे, एंड नोबडी इज़ गोना शेयर द स्ट्रैटेजी, सो यू शुड बी जस्ट स्टिक टू योर रूटीन एंड जस्ट फॉलो इट। कभी कभी माइंड में नेगेटिव अप्रोच भी आ जाती है, कई बार ऐसी एक्टिविटीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखते हैं? जैसे घर से आ रहे थे तो ये तो पता था कि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है, तो घर से ही मैंने अपने सोशल मीडिया बंद कर दिए थे, यहाँ पे मेरा कोई सोशल मीडिया है नहीं, और मम्मी के फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, बाकी हमारे सारे हॉस्टल में सब बहुत फ्रेंडली हो रखे हैं, तो कभी मन करता है तो हम साथ में घूम लेते हैं, बात कर लेते हैं एक दूसरे से, या फिर एक दूसरे के रूम में चले जाते हैं, कभी क्वेश्चंस पूछने हुए तो साथ में स्टडी मिलके कर लेते हैं, जैसे हमारे कोर्सेज भी अलग चलते हैं बैचेस में, तो कभी वो अलग पढ़ते हैं हम अलग पढ़ते हैं, तो हमें अगर कभी अपने कोर्स पूरे हो गए हमें और पढ़ने का मन है तो हम उनका देख लेते हैं। आपको कितना टाइम हो चुका है कोटा में? मेरे को अभी 3-5 डेज हो गए हैं। 3-5 डेज हो चुके हैं, तो मिस करते हो घर को आप भी? हाँ। तो कैसे मैनेज करते हो इस मोमेंट को? मैं जब पापा मम्मी को मिस करती हूँ तो कॉल कर लेती हूँ, थोड़ा उनसे बात कर लेती हूँ, या फिर मैं थोड़ा मोटिवेशन वीडियो देख के थोड़ा म्यूज़िक वगैरह सुन लेती हूँ ताकि घर की ज़्यादा याद ना आए, बाकी सबको पता है पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, उनको तो मिस करते ही हैं सब। आप एलन में पढ़ते हैं? हाँ जी। कौन से टीचर आपको बेस्ट लगते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगता है और कौन सा टाइमिंग पढ़ने का आपको बेस्ट लगता है, तीनों क्वेश्चन के आंसर? मेरे को अभी तक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर बेस्ट लगे हैं, सॉरी आई एम नॉट रिमेंबर द सर नेम, बट मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, और ऑल से सर भी बहुत बेस्ट है, वैसे तो सारी फैकल्टी बेस्ट है हमारी, बट मेरे को केमिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो माई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड है एंड माई फेवरेट सर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी के लिए कौन सा टाइमिंग आपको बेस्ट लगता है, मॉर्निंग वाला इवनिंग वाला? तो मेरा नाइट में स्टडी अच्छे से होता है, बट बिकॉज यहाँ पे कोचिंग 7 AM से 1:15 होती है मेरी कोचिंग, तो मैनेज करना पड़ता है स्टडी को, अब आते हैं थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अब कितना टाइम की स्लीप वगैरह लेते हैं और क्या स्ट्रेटजी आपकी रहती है? नेक्स्ट डे क्लास के लिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरत है, तो 6-7 आवर प्रॉपर स्लीप लेना वो बहुत ज़रूरत है, तो हमारी स्टडी भी पूरी हो जाती है, 6-8 आवर आप सेल्फ स्टडी भी कर लोगे, आपने जितने क्लास में कंप्लीट किए हैं जितने भी आपको पोर्शन मिले आप उसे कन्वर्ट करके कंप्लीट करके आप सेल्फ स्टडी करके आराम से 6-7 आवर स्टडी के लिए प्रॉपर निकाल सकते हो, तो मैं 6-7 आवर स्लीपिंग के लिए निकाल लेती हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ 4 गर्ल्स हैं, हमने इनसे बात करके कई सारे क्वेश्चन जो कोटा में इनकी रूम स्ट्रेटजी वगैरह रहती है, डेली रूटीन का सेशन रहता है, तो हमने जानने की कोशिश की है कि किस प्रकार से इनकी लाइफ है, कई सारे क्वेश्चन हमने जानने की कोशिश की है। हमारे साथ में इस गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मैम भी है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, मैम किस प्रकार से आप स्टूडेंट की यहाँ पर मतलब हेल्प करते हैं, हेल्प करते हुए मतलब उनको मैनेज वगैरह करते हैं?
मैं इनको मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है इनकी तो ये मेरे को बता देती है, तो मैं सोल्व कर देती हूँ। कुछ भी बात होती है तो मैं इनके रूम में जाके इनको अच्छे से समझा देती हूँ। कुछ इनके मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो हॉस्पिटल में ले जाती हूँ मैं मेरे साथ। और कुछ भी इनको खाने पीने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये मेरे को बता देती है, भाई ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगी तो मैं फटाफट दूसरी बनवा देती हूँ या मैं खुद बना देती हूँ। और अच्छे से मतलब इनके साथ अच्छे से मैं रहती हूँ, ये इनका भी व्यवहार अच्छा है मेरा भी अच्छा है। आपकी तारीफ तो स्टूडेंट कर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपको कोई दिक्कत होती है मतलब स्टूडेंट को मैनेज करने में, या फिर आप प्रॉपर कंफर्टेबल रहते हैं इसका? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, मतलब मैं अच्छे से इनको साथ अच्छे से रहती हूँ, कोई भी मतलब मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं घर जैसी बच्चियों की तरह मेरी बहन छोटी बहन समझ के इनको अच्छे से रखती हूँ। तो दोस्तों, वार्डन मैम से भी हमने बात की है और वार्डन मैम ने बताया कि जितनी भी उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी भी उनसे बनती है सब वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।